हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमाटर और प्याज की खट्टी मीठी चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कटे हुए प्याज, 2 टमाटर और लहसुन। अब हम टमाटर को इस प्रकार गैस पर पकाएंगे। जब हमारा टमाटर पक जाए तो हमें उसके छिलके को उतार देना है। टमाटर का छिलका उतारने के बाद हमें अपने हाथों से टमाटर का इस प्रकार चूरा निकालना है। मैंने टमाटरों का अच्छे से चूरा बना लिया है। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम होने के लिए रख देंगे। घी गरम होने के बाद हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जीरा भुन गया है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और उन्हें अच्छे से मिलाएंगे। प्याज अच्छे से भुनने के बाद हम लहसुन डाल देंगे। हमारे प्याज और लहसुन अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और उन्हें भी अच्छे से मिलाएंगे। एक दो मिनट टमाटर पकाने के बाद अब हम मसाले डालेंगे। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मसाले डालने के बाद उन्हें भी अच्छे से पकाएं। हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से हमारी सब्जी खट्टी मीठी बनेगी। अगर आपको जल्दी से कोई सब्जी बनानी है तो आप इस प्रकार टमाटर और प्याज की खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं। यह बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे एक कटोरी में निकालेंगे। इस चटनी को आप पराठों और रोटी के साथ खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी टमाटर और प्याज की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हुई है। यह दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।